La Champions लीग ये हमने बहुत पहले भी कर चुके और बार बार हम कर चुके हैं और ये हमने कल रात दोबारा ये चीज रिपीट की मैन सिटी जो कि 40 गेम से unbeaten थी इतिहाद में इतिहाद में जाना और उनकी जो अनबीटन स्ट्रीक है उसको तोड़ना इस फुटबॉल हेरिटेज माय फ्रेंड्स ये चीज मैंने अपने प्रीव्यू में भी कही थी कि अगर कोई एक टीम है जो मैन सिटी को इतिहाद में हरा सकती है तो वो रियाज ही है और कल रात हमने ये चीज वापस कर दिखाई रियाज मेट्रेड एंड आर गोइंग थ्रू टू द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल दिस इज चैंपियंस लीग हेरिटेज माई फ्रेंड्स नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर बायरविनिक क्योंकि जिस किस्म का बायर मेक का सीज़न जा रहा है आई थिंक आप इसको बायर मिलिक के 10-15 साल 20 साल का वर्स्ट सीजन कह सकते हो कि जब वो बंडस लीगा नेवरकुजन से हार गए उसके बाद वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे थॉमस टूफन के इश्यूज़ चल रहे थे प्लेयर्स से उसके बावजूद आर्सन जो कि एक मेरे ख्याल से आर्सन की पाँच दस साल की बेस्ट टीम थी और मेरा नहीं ख्याल कि अब में से बहुत से लोगों ने ये चीज पंडित की होगी कि यहाँ से बाय से हार जाएगी और पायर यहाँ से चैंपियंस लीग खेलेगी जिन दोनों टीम्स को दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया था उन दोनों टीम्स ही चैम्पियंस लीग का सेमीफाइनल खेल रही है नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन बट इंग्लिश मीडिया वर टॉकिंग शिट अबाउट रियल मेडरेड एंड बायर मोनिक उनके पंडित्स जो थे वो बहुत ही कोई शिट बातें कर रहे थे और उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था रियल मेडरेल और बायर मेनक को और सिटी फैंस तो बिल्कुल चौड़े ही और पता नहीं कहाँ से आ रहे थे कि शायद उनके सामने रियाज मेट्रेड नहीं उनके सामने क्रनडा खेल रही है आई थिंक ये चीज़ आपको सिखाती है कि नो मैटर वोट आपकी टीम अच्छा कर रही है आपकी टीम बुरा कर रही है यू हैव टू बी अम्बर और मैंने अपनी जिंदगी में बायन को और रियाज मेड्रेड को हमेशा इन यूरोपियन नाइट्स पे खेलते हुए देखा लेकिन मैंने हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखी इन दोनों क्लब्स में एंड दिस इज वॉट फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट खैर अब ज़रा गेम की बात करते हैं थोड़ी सी और मेरे ख्याल से रियल मेड्रेड ने बहुत अच्छा स्टॉम स्टार्ट किया और 20-25 मिनट हमने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली हमने सिटी को डोमिनेट नहीं करने दिया और उस दौरान ही वी स्कोर तबोल लेकिन उसके बाद फिर रियल मेड्रेड की जो प्रेसिंग थी रियल मेड्रेड ने बिल्कुल प्रेस करना छोड़ दिया और उसके बाद दे लेट सिटी वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू मेरे ख्याल से अगर आप थ्रू आउट द गेम देखें तो हमारी पासिंग इम्प्रूव हो सकती थी हमारे फॉरवर्ड्स रन भी नहीं ले रहे थे और हम बहुत गंदी तरह बॉल गिव अवे कर रहे थे

और दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट लक गाइस कम ऑन जो लोग कह रहे हैं कि इट्स अबाउट लक इट्स नॉट अबाउट लक दिस इज ऑल अबाउट मैंटेलिटी कि आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हो आप में कितनी कैपेबिलिटी है प्रेशर को हैंडल करने की और हमने ये चीज़ देखी बार्सिलोना पीएसजी एच की अगेंस्ट दो जीरो अप थी और उसके बावजूद भी वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके और वहां से बार्सिलोना पीएसजी से हारी तो इट्स नॉट अबाउट लक इट्स अबाउट कमिटमेंट इट्स अबाउट डेडिकेशन और इट्स अपोट द कंपोजर जिस तरीके से कल लड़कों ने खेला जिस तरीके से डिफेंस ऑर्गेनाइज थी आई थिंक वी हैड अ प्लेयर और आई थिंक हमें यहाँ पे प्लेयर्स को क्रेडिट देना होगा कि वो बहुत ऑर्गेनाइज थे डिफेंस को स्पेशली क्रेडिट देना होगा कि डिफेंस काफ़ी ऑर्गेनाइज थी और अगर लोनन की अगर अब हम बात करें तो अ स्टोरी मैन मतलब लोन जो कि एक थर्ड गोल कीपर साइन किया था रियल मेड्रेड ने उनको उसके बाद Uh, जब थीबो की इंजरी हुई तो थीबो की इंजरी के बाद मैंने मेरा हमेशा फेत रहा है नूलन पे uh, लेकिन उसके बाद जब केपा को लेके आए तब मैंने केपा पे भी ट्रस्ट किया मैंने ये भी कहा कि के केपा अब भी ठीक है बट जिस तरीके से नूलन ने परफॉर्मेंसेस दी है जिस तरीके से उसने थीबो कोर्टवा की कमी जो थी वो हमें महसूस नहीं होने थी थीबो कोर्थवा बिला एक बहुत बड़े गोल है वन ऑफ द बेस्ट गोल इन द वर्ल्ड उनकी इंजरी के बाद जिस तरीके से लोलन ने स्टेप अप किया इज जस्ट रिमार्केबल और लोलन का कॉन्ट्रैक्ट जो भी है समर में वो एक्सपायर हो रहा है एंड ही मस्ट स्टैंड एट एनी कॉस्ट मुझे नहीं पता कि रियल मेडरेट को कैसे कन्विंस करती है लेकिन जो मैंने देखा था कि बातें बहुत एडवांस्ड है और मुझे नहीं पता कि ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद रियल मेडरेट कैसे उसको बैच करके तिबो कुरतवा को स्टार्ट करवाएगी आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर तिबो कुरतवा Uh, कि वो इज से वापस आए और वो कम बैक करें और लून अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज दें तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर कान्ला एनजलोटी और यहाँ पे अगर मैं करवाहान की बात करूँ तो करवाहान वॉज अ वॉरियर यस्टरडे और स्पेशली येलो कार्ड होने के बाद जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया दैनी करवाल को मैंने हमेशा देखा है वो बड़े गेम्स में हमेशा स्टेप अप करता है दो साल पहले आप लोगों को याद होगा कि पी एच जी के अगेंस्ट क्लियर हम के, के अगेंस्ट जैसे उसने स्टेप अप किया था इट वॉज़ रिमार्केबल और यही चीज़ है एक ऑनर एक कमिटमेंट एक क्लब के लिए पैशन एक आपको बैच का एक पैशन तो आप इस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो और स्पेशली नाचो आई थिंक नाचो वॉज ब्रेरियंट उसने बहुत अच्छी गेम खेली थ्रू आउट द गेम क्रेडिट बनता है अपोलॉजी बनती है नाचो से क्योंकि नाचो को हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कंकी गेम से पहले राइटली सो so, उनका जैसा सीज़न गया आई थिंक उनका सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया और हमें उस पर ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था बट अगर आप देखें तो ही वॉज ब्लेरियंट ओवरऑल आई थिंक एक दो चांसेस शुरू के हाफ में मिले थे आई निक आलान को आ, लेकिन उसके बाद ही वॉज ब्लेरियंट थ्रू आउट आई थिंक और यहाँ पे अगर मैं रूडीगर की बात ना करूँ तो बहुत भी बड़ी ज्यादा होगी क्योंकि रूडीगर वॉडा प्लेयर वॉडा लीडर स्पेशली उसने जिस तरीके से स्टेप अप किया एडर मिलिटा और डेविड एलेवा की इंजरी के बाद जिस तरीके से उसने खुद को एक लीडर बनवाया डिफेंस का और जिस तरीके से उसकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेज आ रही है इट्स क्रेजी मतलब रूडीगर के लिए आप क्या ही कह सकते हो आई है no जिस तरीके से उसने कन गेम खेली मैन सिटी के अगेंस्ट और कमाविंगा वाज गुड टू आई थिंक वी प्लेड एज अ यूनिट यस्टरडे जूड बेलिंगम एवरी वन जूट बैलिंगम का जिस तरह कंट्रोल था एंड देनडे वन वे दे का रन एंड देन विनिशियस का वो क्रॉस एंड देन का फिनिश लॉडरी कोज रिमार्केबल वी प्लेड यस्टरडे एज अ यूनिट ऑन मैं कोई ज़्यादा मैकल uh, की परफॉर्मेंस से कोई सहमत नहीं हूँ जिस तरीके से हमने खेला बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है I think uh, the result is that Real Madrid is in the Champions League semi finals. And after 7 fucking years, it's time for European Classico.